तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि ये फरीदाबाद का पोस्ट ऑफिस मुख्यालय है, जहां लोग पहुंचकर गंगा जल खरीद रहे हैं। इसके लिए पोस्ट ऑफिस द्वारा विशेष काउंटर लगाए गए हैं। पोस्ट ऑफिस मुख्यालय की सुपरवाइजर अनीता ने बताया कि इस बार सरकार ने कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते यहाँ पर विशेष रूप से गंगा जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति और श्रद्धालु डाकघर से 30 रुपए अदा करके गंगा जल प्राप्त कर सकता है। मेरा नाम अनीता है। आप क्या है? आई वर्क एज ए सुपरवाइजर। एज ए सुपरवाइजर। यस मैम, ये गंगा जल का क्या कंसेप्ट है? ये गंगा जल COVID-19 के कारण सरकार ने कावड़ यात्रा पे रोक लगा दी है, तो जिसके कारण ये जो गंगा जल की सप्लाई है सरकार ने हमें सप्लाई दी है डाकघरों को, और जो भी कावड़ यात्रा को मतलब कि पूरा करना चाहते हैं या एक अर्थ पूरा लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से कॉन्टेक्ट करके गंगा जल को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं या शिवालय हैं, वो भी हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट करके ऑर्डर बुक करा सकते हैं और इस सेवा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक गंगा जल की बोतल में कितना गंगा जल है और क्या कीमत है? एक बोतल में 250 ml की है और उसका रेट है 30 रुपीज़। 30 रुपीज़। हाँ जी। पोस्ट ऑफिस मुख्यालय से गंगाजल खरीदने आए राज नाम के व्यक्ति ने बताया कि उसने यहां से गंगाजल खरीदा है, जिसके लिए उसने 30 रुपए अदा किए हैं। सरकार की पहल पर उसने खुशी व्यक्त की है। क्या नाम है? राज नाम है मेरा। आपने गंगाजल खरीदा है तो कैसा लगा कंसेप्ट सरकार का? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं शिवरात्रि आने वाली है और जिस तरीके से महामारी पूरे देश में फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं मुझे सूचना मिली थी ऐसे कि हर एक अपने अपने एरिया के जो डाकघर हैं वहाँ पर जाकर आप कहीं ना कहीं गंगा जल ले सकते हैं। तो मेरे को सूचना मिली थी, मैंने गूगल में भी सर्च किया था, गूगल में भी मैंने देखा कि डाकघर में गंगा जल आप ले सकते हैं, क्योंकि बीमारी फैली हुई है। कांवड़ यात्रा पर हरियाणा सरकार ने बैन लगा रखी है, तो मैं NIT के जो मेन मुख्य डाकघर हैं वहाँ पर आया हूँ, उनसे बातचीत की है, तो वाकई में यहाँ पर गंगा जल मिल रहा है और काफ़ी सराहनीय कदम है सरकार का, क्योंकि जिस तरीके से जो यात्रा नहीं करते जो भक्त शिव भक्त कहीं ना कहीं कांवड़ लेकर जाते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं और शिवालयों पर चढ़ाते हैं, तो ऐसे में उन शिव भक्त के लिए कहीं ना कहीं एक सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है कि आप यहाँ से गंगा जल लेकर और कहीं ना कहीं शिव जी की पूजा कर सकते हैं। जी ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।